देखा आपको थोड़ा समझ नहीं आई। चलिए आप अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जी बस ये यहाँ पे नाश्ता चल रहा था और इधर अब्दुलसुबहान डांस की प्रैक्टिस कर रहा है क्योंकि एक फैमिली में शादी आ रही है। तो बस ये सारे कज़न्स जो हैं ये मिलके पागल हुए हैं आजकल डांस पे। तो बस अब हम ये ईद का दूसरा दिन है और हम लोग जा रहे हैं कब्रिस्तान। और मैं भी आप सबसे कहना चाहूँगी कि जब खुशी का दिन होता है ना तो जो प्यारे हमारे दुनिया से चले जाते हैं उनको हमें भूलना नहीं चाहिए और हमें ज़रूर उनसे जाके मिलना चाहिए। तो बस अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दें और उनके लिए आसानियां पैदा करें और हमें भी नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन सुम्मा आमीन। तो बस ये बच्चे यहाँ पे पोजेस दे रहे थे शोके होने की एक्टिंग कर रहे थे। तो रहें आप भी मेरे साथ साथ। एक्चुअली हम थोड़ा लेट निकले थे ताकि जो है धूप थोड़ी कम हो जाए। तो हमारा इरादा था कि ज़रा धूप कम होगी ना तो कब्रिस्तान में भी आसानी होगी, ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगी। तो बस खैर हमारे फिर भी टाइम से जाना था लेकिन फिर भी आहिस्ता आहिस्ता टाइम हो ही जाता है। तो बस मैंने ये अच्छा बिल्कुल कवर कर दिया इन्होंने। बस ये हमारे ये टूटा होता था सली देने वाली बात ये है। वहाँ पे चींटियाँ खाएंगी और उनको सवाब मिलेगा, अल्लाह ताला उनको सवाब देगी। और बस अब हम लोग वहाँ पे मेरे हस्बैंड के चाचू का घर है तो बस वहाँ पे दो तीन घर है वहाँ पर हम लोग मिले थे और बस अब हम ये वापसी के लिए निकल पड़े थे। तो बस यही हमारी ईद की रूटीन। फिर दुआ आज भाग गई थी, हमने कहा था उसको दिखाए कि फिर क्या भाग गई, कहती मैंने कोटे ना पहने। बड़ी लड़कियां में होती हैं इतने बुरे तरीके से जाए मुझे यार, अपने आप को बड़ा सोने लग जाते हैं तरीके से फंस गए थे कि कूदने पे प्रेस्टन को देखा कितनी को दिल मार। करता ना कि यार मैं कहूं कि वापस चले जाओ, ये पता नहीं सिटी मैंने सिटी भी मैंने पीछे आ रही है। अच्छा ऐसा वगैरह आने दे, साथ में आठवें और उन्होंने भी कह दिए पीछे कर ले आगे सारे पीछे मैं पीछे सारे नु कह रहे हां वा फिर एक एक करके पीछे निकलने शुरू हुई है गड्डी फिर आगे हटा देखा मुट्ठी जा की जान लग रही है सर में। और बस ये ईद का दूसरा दिन था तो बहरहाल अब हमें खाने की कोई जगह नहीं मिल रही थी जहाँ से हम लोग खाना खा लें। पहले तो हम लोग फूड से लेके और उन लोगों ने सोचा कि चले जी हम लोग ना ऑर्डर कर लेंगे। फैमिली है ने सोचा कि फैमिली है कहीं जाके ना ढूंढते हैं किसी जगह से अगर हमें कोई खाने को अच्छा मिल जाता है ना और जगह मिल जाती है सबसे बढ़कर। तो बस अब हम ये निकले थे कि देखते हैं वहीं क्या मिलता है खाने को। चाउमीन का छोटा पीस कैसे लेना है? छोटा है वो। इनकी स्क्रीन पहले तो नहीं लगी थी। लॉट टॉप लॉट लगी हुई थी। नो देखो इतने ही लॉट होता है बंदे इतना बड़ा। वाओ यार उधर भी बहुत फ्रेश था उसमें भी नहीं लेकिन ये नहीं है ये हमारी पुरानी है।
बोतल का एक बड़ा रिवाज ये वाली है ना, बोतल पीनी है। नहीं ये वाली नहीं, पूरी बोतल नहीं पीना। इकट्ठी है, इकट्ठी है। ये जो मिस्टर काटो इधर आ गई है, इधर देखो, इधर आगे भी है, इधर तो इसके पास होती है। ये है, ये रहता है, ये बस यहाँ पे मेरा मूड था सब्जी खाने का, लेकिन इन बच्चों का मूड था चाउमीन खाने का। बस फिर हम लोगों ने प्लान बनाया कि हम सब मिलके चाउमीन ही खा लेते हैं और कुछ चाइनीज़ फ्राई कर लेते हैं। और वैसे एक बात बताऊँ, इतने एक्सपेंसिव हम लोग इतने अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाके खाते हैं और यहाँ का। अच्छा ये ब्लैक ग्रेवी वैसा ही था, बिल्कुल वैसा ही था। ये तो जो कुक भी था वो भी चेक कर लेते थे और वाकई में ऑथेंटिक रेसिपी और बहुत मज़े का, इतने मज़े की ठंडी हवाएं चल रही थी ना। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने फ्राइड राइस ले लिए थे और 2 ग्रेवीज ले ली थी और साथ बच्चों के लिए चाउमीन ले लिए थे, उन्होंने खा लिया। तो हम लोगों ने सोचा कि हमें यहाँ पे हवा चल रही थी तो बड़ी अच्छी कबाबों की खुशबू आ रही थी। यहाँ पे हम लोग जाके बैठे और साथ ही हमें पता चला कि वहाँ पे कबाब ख़त्म हो चुके हैं। फिर हम लोग एक और जगह पे आए और वहाँ पे हम लोगों ने फिर कबाब मंगवा दी। हम लोगों ने कहा कि चलो अच्छी बात है, ज़्यादा सारी चीज़ें जो है हम लोगों ने लगवा दें। और जी ये है ईद का 3रा दिन, नाश्ता हो चुका था और बस ये मैं सब मैंने ख़त्म करना था। मैंने आज मैसेज लिए दिखाया कि हर वक्त नीट नहीं होता किचन। तो बस यहाँ पे मैं कीमा बना रही थी और मटन बस मेरा पक चुका है तो, और साथ बिरयानी हो जाएगी। तो जी ये हमारा ईद का 3रा दिन का लंच हो जाएगा। तो बस मैं जल्दी जल्दी बना रही थी ताकि खाना टाइम से हम लोग खा लें, क्योंकि आपको पता है ईद पे हम लोग फेनियाँ ही खा रहे होते हैं और ज़रा लाइट होती हैं और ज़रा जल्दी भूख लग जाती है। तो बस जी ये खाना मेरा रेडी हो गया हुआ है और सर्व हो चुका हुआ है, बस अब हम खाने के लिए बैठेंगे। करती हूँ आपको मेरा ईद का ब्लॉग भी अच्छा लगेगा। अल्लाह हाफिज़।